Hello everyone, today now I'm going to explain geometrical meaning of the zeros of a polynomial. But ये जो geometrical meaning of the zeros of the polynomial है ये है quadratic polynomial के लिए. ओके, फॉर quadratic polynomial. ओके, ऑलरेडी मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैंने बता दिया है कि अगर हमें कोई हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें जीरोज फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, बट अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हमें जीरोज फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. सिंपली आप जैसे जानते हो कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जीरोस फाइंड आउट करना है. ओके, तो सिंपली हम ये जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका जीरोस फाइंड आउट करना, सिंपल एक मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले भी क्लास 8 में स्प्लिटिंग टर्म पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. सिंपली हम इसका क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, तो हमें एक्स की जो दो वैल्यूज मिलती है वही इसके क्या होते हैं, पॉलिनोमियल जीरोज हो जाते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. क्योंकि मैंने कुछ पहले की वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि इसके डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. डिग्री 2 होने का मतलब इसके जीरोज, मैक्सिमम इसके जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम इसके जो जीरोज मिलेंगे आपको वो दो जीरोज मिलेंगे. ठीक है, तो लेट्स इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको हम पहले सॉल्व करते हैं. जनरली मैं बता रही हूँ कि जीरोज हम अगर फाइंड आउट पहले अगर करना हो, कहीं भी अगर आपको करना हो तो आप इस तरीके से सिंपली कर सकते हो. यहाँ पे होगा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यही होता है, लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट वाले टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका हम मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिल जाए और प्लस या माइनस करने पे हमको बीच वाला नंबर मिल जाए. तो 4x स्क्वायर होगा, आई थिंक ये होगा 4x माइनस एक्स करेंगे तो हमें ये एग्जैक्टली इसका टर्म्स मिल जाएंगे. यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और यहाँ से 1 कॉमन होगा और यहाँ होगा आपका x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ से अब आप यहाँ से ये देखते हो माइनस, आई थिंक यहाँ पे प्लस होगा. ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो x प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 4, इट मीन्स इसके दो जीरोज हुए, x इक्वल्स टू माइनस 1 और दूसरा हो गया x इक्वल्स टू 4. इट मीन्स आपने जनरली फाइंड के लिए ये दो जीरोज इसके होंगे होंगे. अब हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि हमें जो क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको सॉल्व करना और इसके जीरोज को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये पी एक्स जो होता है किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें ये करना होगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो हमें x एंड y की वैल्यूज चाहिए होगी. तो सिंपली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्सिट्यूट करते जाएंगे, हमें y की वैल्यूज मिलती जाएगी. लेट्स हम सब्सिट्यूट करते हैं x की वैल्यू क्या, 0. सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं. तो x की वैल्यू अगर इसमें 0 सब्सिट्यूट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ से आपने 0 पुट किया, यहाँ पे मिलेगा आपको y इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ से 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, y इक्वल्स टू आपको मिलेगा माइनस 4. इट मीन्स कि जब आपने x इक्वल्स टू 0 सब्सिट्यूट किया तो y की वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या मिली है, माइनस 4 मिली है. तो यहाँ से आपको इसके दो कोऑर्डिनेट्स जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 0 और माइनस 4. ठीक है, अब हम x इक्वल्स टू 1 सब्सिट्यूट भी करके देख लेते हैं इस पॉलिनोमियल में. तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस 4, y की जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 3 माइनस 4, इट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू मिलेगा माइनस 2 एंड माइनस 4, इट मीन्स टू यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी माइनस 6 मिलेगी. तो यहाँ इट मीन्स कि x की वैल्यू आपने 1 लिखा तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस 6 मिली. सिंपली अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लो, x की वैल्यू आप 2 पुट करके सब्सिट्यूट करके देख लो. सब्सिट्यूट करके देखिए आप y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो y इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे मिलेगा आपको 3 इंटू 2 माइनस 4. ठीक है, यही मिलेगा. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से y की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो ये मिलेगी 4 माइनस 6 माइनस 4,
ठीक है, यहाँ पे y की जो वैल्यू मिलेगी माइनस टू माइनस फोर, इट मीन्स y की वैल्यू यहाँ से भी आपको क्या मिलेगी, माइनस सिक्स मिलेगी। जब आपने x इक्वल से टू पुट किया, y की वैल्यू क्या मिली, माइनस सिक्स मिली, इट मीन्स आपके यहाँ से दो कोऑर्डिनेट टू और माइनस सिक्स मिले। आप ऐसे जनरली बहुत सारे पॉइंट्स को रख के सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसके जो दो जीरोज़ हैं, आपको पता है कि x माइनस वन x इक्वल टू फोर, इसके दो सिंपली जीरोज़ हैं। हम पॉइंट्स सिर्फ इसलिए यहाँ पे फाइंड आउट करें क्योंकि हमको ग्राफ इसको क्या करना है, लोकेट करना है। अब हम x इक्वल टू थ्री भी पुट करके देख ले रहे हैं, तो हमको यहाँ से y की जो वैल्यूज़ मिलेगी, y की क्या वैल्यूज़ मिलेगी, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर, यहाँ से नाइन माइनस नाइन माइनस फोर, यहाँ से y की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी मिलेगी माइनस फोर। इट मीन्स जो हमें यहाँ इस x को थ्री और यहाँ से कोऑर्डिनेट जो मिले थ्री और माइनस फोर मिले। ओके, अब हम x इक्वल टू फोर भी पुट करके देख ले रहे हैं। x इक्वल टू फोर पुट करके देखेंगे तो y की जो वैल्यूज़ मिलेगी, फोर का स्क्वायर होगा माइनस थ्री इंटू यहाँ से आपको होगा फोर माइनस फोर, तो यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, y इक्वल टू सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर, और यहाँ से y की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इट मीन्स ज़ीरो। तो फोर कोऑर्डिनेट फोर है, ज़ीरो मिल रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी x इक्वल टू आप फाइव भी पुट अप करके देख सकते हो, ठीक है, एक्स इक्वल टू फाइव भी पुट अप करके देख लो। तो यहाँ से जो वाई की वैल्यूज़ मिलेगी आपको, वाई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस फोर, ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस फोर, और यहाँ से वाई की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी सिक्स मिलेगी। इट मीन्स आपने फाइव एंड सिक्स आपके दो कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गए। सिंपली हम एक्स को जीरो से स्टार्ट किए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सब्सटीट्यूट किया, आप एक्स को माइनस वन भी पुट अप करके देख सकते हो, माइनस वन कर लो, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर, तो वाई की वैल्यू मिलेगी वन प्लस थ्री माइनस फोर, यहाँ से आपको मिलेगा वाई की वैल्यू ज़ीरो मिल गई, इट मीन्स माइनस वन है ज़ीरो। ठीक, आप एक्स इक्वल्स टू आप माइनस टू भी पुट करके देख लो, तो वाई की जो वैल्यूज़ यहाँ से आपको मिलेगी वो ये मिलेगी माइनस टू, ठीक है, माइनस टू का स्क्वायर, यहाँ से आपको माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस फोर, तो ये फोर माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको जो वाई की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, वाई इक्वल्स टू सिक्स, इट मीन्स जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे माइनस टू एंड सिक्स। आप आगे और सारे भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे मैंने माइनस वन लिया, माइनस टू लिया, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री भी ले सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस फोर भी ले सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे भी वाई इक्वल टू सिक्स ले सकते, एक्स इक्वल टू फाइव यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं, आगे भी आप एक्स इक्वल टू सिक्स भी ले सकते हो, आप बहुत सारे पॉइंट्स को ले सकते हो, वो सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे क्या करने हैं, लोकेट करने हैं। तो सिंपली आपके ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारे के सारे आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको मिल गए हैं, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, और ये भी क्या है आपका कोऑर्डिनेट मिल गया, आपने सिंपली जैसे जनरली फाइंड किया वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके। ओके, अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसके लिए अब हम टेबल बनाते हैं, और टेबल बना के हम वहाँ पे वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे देखो, एक हम टेबल बनाएंगे। ओके, यहाँ से आप टेबल बना लो, एक्स एंड वाई इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू जब आपने क्या पुट की थी, जब x की वैल्यू आपने ज़ीरो पुट की थी तो y की वैल्यू माइनस फोर मिली थी, ठीक है, एक मिनट, आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में आप जब x की वैल्यू वन पुट की तो y की वैल्यू माइनस सिक्स मिली, ठीक है, x की वैल्यू टू पुट की थी, y की वैल्यू ऑल्सो माइनस सिक्स मिली, x की वैल्यू थ्री पुट की, y की वैल्यू माइनस फोर मिली थी, x की वैल्यू फोर पुट की थी, y की वैल्यू ज़ीरो मिली थी, x वैल्यू फाइव पुट की थी, y की वैल्यू क्या मिली थी, सिक्स मिली थी, और आगे आपने फिर नेगेटिव भी वैल्यू सब्सिट्यूट किया था, x की वैल्यू माइनस वन पुट किया तो y की वैल्यू ज़ीरो मिली थी, x की वैल्यू माइनस टू पुट किया तो y की वैल्यू सिक्स मिली थी। आई थिंक ये सारे पॉइंट जो हैं आपको इस तरीके से मिल गए थे, ठीक है, ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको इस तरीके से मिले हुए हैं। अब ऐसा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आप इतने ही पॉइंट फाइंड्स करोगे, आप इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कोई इसके लिए बाउंडेशन नहीं होता, और कोई इसके लिए कंडीशन रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, ठीक है, ग्राफ हमें बनाना है, जस्ट वेट, हाँ, ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू ज़ीरो है और y की वैल्यू क्या है, माइनस फोर है, आप ये टेबल यहाँ से देख सकते हो, ओके, x की वैल्यू ज़ीरो, y की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे माइनस फोर है, ओके,
ओके. नाउ यू हैव टू सी यहाँ पे आपके एक्स एंड वाई के सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे. ओके, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे. अब हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पे लोकेट करेंगे. ओके, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, -4 है. एक्स की वैल्यू 0, आई थिंक यही होगा. वाई की एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे एंड वाई की वैल्यू -4, इट मीन्स की पॉइंट जो है यहाँ पे आपके लाई करें. एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, वाई की वैल्यू -4. अब एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है, -6 है. एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -6, आई थिंक ये पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे 1 और -6. दूसरा जो पॉइंट है आई थिंक इस तरीके से, ठीक है, आई थिंक आपको शो हो रहा होगा. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, एक्स की वैल्यू 2 है एंड वाई की वैल्यू क्या है, -6 है. तो एक्स की वैल्यू 2 ये है एंड वाई की वैल्यू क्या है, -6 है. ये पॉइंट जो होगा आपका यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट्स. ठीक है, यहीं पे लाई करेगा, ये यहीं पे कहीं लाई करेगा. ठीक है, यहीं पे लाई करेगा ये पॉइंट आपका, यहीं पे लाई करेगा 2 और -6. ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3 और -4. एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू है आपकी -4, तो आपका ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा 3 और -4. नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये पॉइंट आपका यहीं लाई करेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू फाइव है, वाई की वैल्यू 6 है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ कहीं लाई करेगा. ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 6. अब नेक्स्ट है, एक्स की वैल्यू -1 है, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू -1 है ना, तो एक्स वैल्यू -1 ये. ठीक है, एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 है, तो ये पॉइंट्स आपका -1 है, 0 यहाँ पे लाई करेगा. दूसरा है, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू क्या है, 6 है. -2 ये, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है आपकी, 6 है, तो आई थिंक ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे कहीं लाई करेगा. ठीक है, ये, ठीक है, ये, तो यहाँ पे -2 एंड 6. ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं. जैसे हमने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पे हम देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का यहाँ से स्ट्रक्चर देगा. एक मिनट, ये जो देगा यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, वो इस तरीके का देगा. ठीक है, मे बी सही बने, आई विश जो ग्राफ बनेगा ठीक है ऐसे होता हुआ ही सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. ठीक है, ओके, ठीक, ये इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का है. और इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला. क्या बोलते हैं, पैराबोला. ठीक है, इसकी एक कंडीशन होती है, आपको ध्यान देना होगा, जो आपकी ये जो पॉलोमियल होती है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होती है ना, इसमें कंडीशन आपकी ये है, जब भी आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो ये पैराबोला, जो ये ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा. क्या होगा, अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, इट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में होगा. आपको ये चीज़ें याद रखनी है. अगर ए लेस देन 0 है तो ये जो ग्राफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, इट मींस ये इस डायरेक्शन में होगा. ए इज़ ग्रेटर देन 0 कि ए पॉजिटिव होगा एंड ए इज लेस देन 0 जब ए आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा. क्वाड्रेटिक में अगर आपका ए नेगेटिव नंबर हो गया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा. ए इज ग्रेटर देन 0 तो ये आपका क्या बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. क्योंकि जो हमारे पास पॉलोमियल थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू ए पॉलोमियल थी ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी. चूँकि ए इज ग्रेटर देन 0 इसलिए आप इसका जो ग्राफ देख रहे हैं या आप इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, इट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अब हम लेट्स सी जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसका जीरोज है. मैंने आपका लीनियर में भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, ठीक है,
एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका जीरोज होता है। जैसे देखो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये भी 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 पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें से जीरोज कौन सा होगा? सारे जीरोज थोड़ी ना है, जीरोज इसमें से कौन सा होगा? इसमें से जीरोज देखो सिर्फ वो होगा, आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका क्या होगा? जीरोज होगा। इट मीन इसके जीरोज कितने हुए हैं? एक माइनस वन हुआ और दूसरा क्या हुआ? फोर हुआ। ठीक, समझ में आया? इसके दो जीरोज हुए हैं, इसके टू, इसके देर आर यहाँ पे टू जीरोज इसके हुए हैं, टू जीरोज हुए हैं इसके, टू जीरोज हुए, एक्स इक्वल्स टू एक माइनस वन और एक हुआ एक्स इक्वल्स टू फोर। एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या होता है? उसका जीरो होता है। और वहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि उसका वाई हमेशा जहाँ पे कट करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू माइनस वन है और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो है। यहाँ पे एक्स वैल्यू फोर है, वाई की वैल्यू क्या है? जीरो है। वाई का मतलब क्या? वाई का मतलब आप पी एक्स को ही तो वाई लेट करते हो ना, तो इट मीन्स ये वाई क्या है? जीरो है। और इस केस में भी वाई क्या है? यहाँ पे जीरो है। सिंपली आपको सिर्फ ये याद रखना है, ग्राफ एक्स एक्सिस से जहाँ पे भी कट करता है उस उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाएगा? उसका जीरोस। तो इसके दो जीरोस हो गए माइनस वन और दूसरा जीरोस हो गया एक फोर, और वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट दोनों में आप क्या देख रहे हैं? जीरो है। बाकी किसी में भी वाई कोऑर्डिनेट आपको जीरो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। सिंपली मैंने आपको यहाँ पे जो जीरोज फाइंड आउट करके बताया था, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू फोर, इट मीन्स ये सही जीरोज है, क्योंकि मैंने जनरली बताया था कि इसके दो जीरोज यही होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ भी आपने देख लिया इसके दो जीरोज, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन और दूसरा क्या है? एक्स इक्वल्स टू फोर है। आपको सिर्फ ये याद रखना है आपको कि ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। और वहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि उसका दूसरा कोऑर्डिनेट वाई क्या हो? वो जीरो ही होगा। क्लियर?